सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड खो जाता है या फिर कहीं गुम जाता है तो फिर आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड का इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसका ऑफलाइन प्रोसेस और ऑनलाइन प्रोसेस दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन कर लीजिए चाहे फिर आप ऑनलाइन कर लीजिए, दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों अपने सभी जाने वाले साथ शेयर करिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वोटर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करेंगे www.nvsp.in। यहाँ पे आप गूगल पर जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर ही इसका लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करते ही ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग सर्च करने के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको आप लोग को कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आप डिटेल्स के थ्रू यानी कि अपने नेम और या फिर फादर नेम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं या फिर अपने ईपिक नंबर यानी कि वोटर आई डी कार्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिटेल्स के थ्रू यानी कि नेम के थ्रू बता रहा हूँ। सबसे पहले आप नेम सर्च करेंगे, नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसके बाद फिर एज या फिर डेट ऑफ बर्थ दोनों में से कोई एक सर्च करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सर्च कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चूज करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी विधानसभा आपके ज़िले में विधानसभा क्षेत्र होंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप लोग अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया पति पिता या पति का नाम, तो यहाँ से आप लिख लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे। अगर दोस्तों आप लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अगर आप लोग यहाँ से लिखना नहीं चाहते तो यहाँ से आप डायरेक्ट मैप में भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे अपना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो मैप में ही आपका डायरेक्ट यहाँ से ले लेगा और यहाँ से आपको ये सब स्टेट डिस्ट्रिक्ट और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से ही डायरेक्ट आपका ले लेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिया है कैप्चा कोड, कैप्चा कोड आप यहाँ पे सही सही देख के फिलअप कर लेंगे। इसके बाद फिर सर्च पे जैसे आप लोग प्रेस करेंगे आप लोगों के नेम और फादर नेम डेट ऑफ बर्थ सहित अगर आप लोग के क्षेत्र में कई लोग होंगे तो वहाँ पे आप कई लोगों का ऑप्शन या नेम दिखा जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आप लोगों को ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड के थ्रू यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ईपिक नंबर आप अपना देख के सही सही फिलअप करेंगे। इसके ईपिक नंबर के बाद आपको अपना यहाँ पे स्टेट फिलअप करना होगा, इसके बाद फिर कैप्चा कोड फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको स्टेट और कैप्चा कोड फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो इसके बाद आप जस्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया यहाँ पे नीचे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे तुरंत ही आ गया। तो यहाँ पे मेरा सारा यहाँ पे विवरण यहाँ पे दिखा रहा है, तो डिटेल्स में यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे दिया है व्यू डिटेल्स पे, यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा मतदाता सूचना वोटर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो इसके बाद जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा का मतदाता क्षेत्र और इसके साथ ही सब कुछ सारी डिटेल्स यहाँ पे शो रही है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आप लोग डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड हो गया है वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ से ऐसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग का वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।